स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलवेस्टर स्टेलोन जो हैं वो हॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े अभिनेता हैं। उनकी दो फ्रेंचाइजी हैं, बेसिकली एक रॉकी है, दूसरी रैम्बो है। और रैम्बो फ्रेंचाइजी जो है उसे हिंदी में बनाने पर चर्चाएं एक बार फिर से जोरों पर हैं। चर्चाएं फिल्म के जल्द काम शुरू होने को है, ये बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि इस फिल्म के क्रू में भी अब बदलाव देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारे कलाकार अपने डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि जो डेट्स उन्होंने अभी तक एलोकेट कर रखी थी वो तो घर बैठे गुजर गई। और फिल्में काफ़ी हैं और हर फिल्म जो है उस पर काफ़ी पैसा लगा हुआ है और हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में रैम्बो का जो रीमेक बन रहा है, जिसमें टाइगर श्रॉफ वो रोल करने जा रहे हैं जो रोल ओरिजिनली स्टेलोन ने किया था रैम्बो का, तो वो रोल जो है एक आइकॉनिक रोल बन करके आएगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और इसे डायरेक्ट करने का काम शुरू में दिया गया था सिद्धार्थ आनंद को, वो जो कि बिग बैंग और वॉर जैसी फिल्म बना चुके हैं। लेकिन अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। हालांकि स्क्रिप्टिंग उन्होंने कर ली है, उन्होंने बहुत हद तक फिल्म की स्टोरी को डेवलप कर लिया है, तो वो क्रेडिट उनके पास ही रहेगा। लेकिन इस फिल्म को निर्देशन करने का काम जो है अब वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन करने वाले हैं। जहाँ तक सवाल उठता है इस फिल्म के रीमेक का, ये बहुत साल पहले जो है, आज से करीब 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ इसका पूरा उपक्रम। और ये बात जो है, जब इसका रीमेक अनाउंस हुआ था तो सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी ट्वीट करके ऑल द बेस्ट कहा था। और ये फिल्म जो है शुरू होने वाली थी इस साल जनवरी से ही, लेकिन कुछ कारण से देरी में वो पड़ी फिल्म, और उसके बाद तो कोरोना वायरस मार्च में आ गया और सारी समस्याएँ जो हैं वो एक के बाद एक बढ़ती चली गई। जहाँ तक सवाल उठता है रोहित धवन का, रोहित धवन खाली नहीं बैठे हुए हैं, वो अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है अला वेकंट पुरमलू, उसका रीमेक करने जा रहे हैं हिंदी में। कार्तिक आर्यन वो रोल करने जा रहे हैं जो रोल अल्लू अर्जुन ने किया था। लेकिन साथ साथ इस फिल्म का भी अभी निर्देशन का भार उन्होंने उठाया है, तो पता नहीं क्या आगे होता है। पुराने ज़माने में तो एक बार में जो है एक डायरेक्टर 3-3, 4-4 फिल्में डायरेक्ट करता ही था, शायद वही सिचुएशन यहाँ देखने के लिए मिले। जैसे भी और जानकारी मिलेगी हम आप तक लेकर के ज़रूर आएंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, बड़ी आवश्यक चीज़ है। धन्यवाद।